हेलो एंड वेलकम गाइस वेलकम टू डेली एनालिसिस वेलकम टू डेली कल्चुफ एनालिसिस पीपीटी जो है वो करप्ट uh, हो गई है जिस वजह से uh, हम पीपीटी से डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो मैंने डिसाइड किया है कि आज हम पीडीएफ uh, से डिस्कस करेंगे और आपको मैं इसी बहाने uh, सिखा भी दूंगा कि द हिंदू पढ़ते कैसे हैं तो एक बार ज़रा सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग रेडी हैं आप लोग तैयार हैं बिकॉज़ मैं देख पा रहा हूँ लाइव हो चुका है इवेंट एक बार ज़रा सब लोग ज़रा फटाफट कमेंट कर देना ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग कंटेंट uh, को देख पा रहे हैं आर यू एबल टू वॉच काइस क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सब लोग हाँ अच्छी बात है सो so, आज हम डायरेक्टली पेपर से पढ़ेंगे ठीक है बिकॉज बिकॉज पी पी करप्ट हो गई है तो ये पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ज़रा एक बार सब लोग ज़रा शेयर कर दो ठीक है तो आज का पेपर है आपका द हिंदू और आज का जो डेट है दैट इज़ जनवरी द थर्टीनथ तो इसको हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं uh, सबसे पहले जब हम पेज वन पे जाते हैं तो पेज वन पे जो आज के बड़ी खबर है उनमें सबसे पहला है इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी के जो जनरल हैं जिनका नाम है आपका जनरल मनोज मुकुल न उन्होंने कहा है कि इंडिया विल होल्ड ग्राउंड अलोंग द एल ए सी एजोंग एज नीडेड जब तक ज़रूरी होगा तब तक हम जो हमारा ग्राउंड है एल ए सी पर उसको होल्ड करेंगे अब यहाँ पर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि एल ए सी आपका जो है वो इंडिया और किस कंट्री के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं पहला सवाल तो ये बनेगा आ, तो उसका आंसर होगा आपका इंडिया और चाइना का सबसे पहले सेकंड जो क्वेश्चन मेरा आपसे बनेगा कि एल का फुल फॉर्म क्या है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल यार आवाज़ तो मेरी बेटर है आवाज़ सबको आ रही ना मेरी आई एम प्रिटी सर्टन मेरी आवाज़ बेटर है आ, तो अच्छा पहला चीज़ तो पहला आंसर होगा आपका चाइना ठीक है सेकेंड आपका क्वेश्चन होगा कि आ, कि आपका जो मनोज मुकुंद न हैं इनको हाँ ये आपके कौन से आर्म फोर्सेस के आपके हेड हैं उसका आंसर है आपका इंडियन आर्मी के आपके दोस्तों हेड हैं अब इंडियन आर्मी से याद आया गाइस अभी आपका सेवन दिसंबर को आपका कौन सा डे मनाया जाता है इंडियन आर्मी का तो उसका आंसर होगा आपका आर्म फोर्सेस फ्लैग डे वो आपका सेवन दिसंबर को मनाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है जनवरी uh, ट्वेंटी को uh, आपका uh, आपका इनाग्रेशन है मिस्टर बाइडन का ठीक है और इनाग्रेशन आपका uh, न्यू आपका वाशिंगटन में होगा और इसको लेकर वरीज हो गए हैं बिकॉज़ वायलेंस जो कि हुआ था उस वजह से वरीज हैं uh, तो मेरा पहला आपसे सवाल बनेगा कि वो जो आपका वायलेंस है वो किस uh, किस uh, किस uh, किस बिल्डिंग uh, में हुआ था इसका ज़रा मेरे को आंसर दीजिएगा उस बिल्डिंग का नाम क्या है उस बिल्डिंग का दोस्तों जो नाम है दैट इज़ दी कैपिटल हिल कैपिटल हिल में आपका वो हुआ था जहाँ पर आपका जो सेनेट है और जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहीं पर आपका बैठती है उस वजह से वहाँ पर हुआ था एक और क्वेश्चन बनेगा इनके बारे में कि ये कौन से नंबर के आपके प्रेसिडेंट हैं फोर्टी फिफ्थ प्रेजिडेंट हैं यूएस के या फिर फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट हैं आपके यू एस के इसका जरा मेरे को आंसर आप दीजिएगा फटाफट <coughs> किस नंबर के आपके ये दोस्तों प्रेजिडेंट हैं एक तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बनेगा बाकी इसमें सवाल आपका नहीं बनेगा हाँ कल ये न्यूज में थे और कल ये न्यूज में इसलिए थे बिकॉज इन्होंने अपॉइंट किया है एक सी आई ए का चीफ उस सी आई ए के चीफ का नाम आपको बताना है देखो आंसर आ भी गया कैपिटल हिल उस बिल्डिंग का नाम है और ही was the फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट ऑफ़ द यू एस ही इज़ प्रेजिडेंट ऑफ द यू एस और आ, कौन बने हैं सी के नए चीफ इसका आंसर दीजिएगा अच्छा उसके बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा आज का हमारा आज का जो हेडलाइन है वो है इन्फ्लेशन के बारे में इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो आपका कितना हो गया है वो आपका हो गया है फ़ोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट में कितना हो गया है वो फोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट पर हो गया है सबसे पहले गाइस इसको लिख लीजिएगा जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है उसे हम कहते हैं हिंदी में आपका आपका सर उसे कहते हैं आसान भाषा में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कितना हो गया है आपका वो आपका फोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट हो गया है जो कि कम है कम होने से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कम होने से जो कस्टमर्स हैं उनको जो फूड है स्पेशली जो वेजिटेबल्स हैं या जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो सस्ते मिलना शुरू हो जाएंगे ये एक आपका हाईलाइट होता है जब इंडेक्स जब आपका इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे आपका कम होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना हो गया जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा वो आपका हो गया है फ़ोर इसको भी वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे फिर बुरी खबर आ रही है दोस्तों फॉर द ब्रिजबेन टेस्ट ब्रिस्बेन टेस्ट से जो इंडिया के स्पियर हैड हैं इंडिया के जो टीयर वे फास्ट बॉलर हैं जिनकी वजह से इंडिया शायद वो टेस्ट मैच जीत जाता या ड्रॉ कर लेता जसप्रीत बुमराह वो ब्रिस्बेन टेस्ट से जो है वो इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं गाइस एक सवाल आपसे और बनेगा बिकॉज ये न्यूज़ में भी है ब्रिस्बेन टेस्ट ब्रिस्बेन टेस्ट की जो पिच है उस पर्टिकुलर पिच को क्या नाम देते हैं व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द स्टेडियम और द पिच ऑफ ब्रिस्बेन इसका ज़रा मेरे को आंसर दीजिएगा इन द मीन टाइम गाइस सौ लोग हो गए हैं ज़रा फटाफट दबा के जरा वीडियो शेयर कर दो बिकॉज हमें 200 तो क्रॉस करना ही करना है फटाफट कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो हाँ उस पिच का नाम लिख लीजिएगा नहीं पता है तो गाबा जी ए डबल बी ए गाबा आ, कहते हैं हम उस पर्टिकुलर उस पिच को हम गाबा कहते हैं ठीक है नहीं इनको रिस्क की इंजरी नहीं हुई इनको, इनको एबडामल स्ट्रेन हुआ है <coughs> उस वजह से हम उस पिच को दोस्तों आपका गाबा कहते हैं ठीक है बिल्कुल सही अब ज़रा आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं काइज और आ, सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉन्ट्रोवर्शियल लॉस का उसको अभी फ़िलहाल रोक दिया है इट हैज़ स्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल लॉस अगेन ये ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे आप इस पर ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा बिकॉज़ ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिलहाल नहीं बनेंगे फिर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बड़ी खबर आ रही है कि देर इज़ नो ऑप्शन टू सेलेक्ट बिटवीन द टू वैक्सीन्स ऐसा नहीं है कि आपको कोई चॉइस मिलेगा कि आपको वैक्सीन कौन सी चुननी है कोविशील्ड चुननी है या कोवैक्सिन चुननी है आपको सरकार दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगाएगी ये सरकार के ऊपर है ये आपके ऊपर दोस्तों जो हैं वो नहीं है स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पीपल विल नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ मेकिंग अ चॉइस बिटवीन द टू अवेलेबल कोविड वैक्सीन कोविशील्ड एंड एंड आपका कोवैक्सिन uh, और जनवरी सिक्सटीन को ये लगना शुरू होगा टू द फ्रंट लाइन वॉरियर्स टू द करोना वॉरियर्स एंड फिर ये आगे चल कर बाकी लोग को लगेगा पर uh, ऐसा कोई चॉइस नहीं होगा अब ज़रा मेरे को फटाफट बता देना पहला चीज़ कि कोवैक्सिन किस कंपनी ने बनाया है बिल्कुल सही कोवैक्सिन को बनाया है आपके भारत बायोटेक ने और कोविशील्ड जो है इसको बनाया है आपके सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो ये दो अलग अलग वैक्सीन हैं तो इनमें से आपका ऑप्शन नहीं होगा और इसकी जानकारी जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन हैज बिन गिवन बाय द हेल्थ सेक्रेटरी हिमसेल्फ जिनका नाम है आपका राजेश भूषण उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो दोस्तों आपकी आपकी दी है अच्छा स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है ये जो अमाउंट है आपका गाइस फटाफट वीडियो को शेयर करते रहो यार ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन आपकी है ये वैक्सीन का जो आपका टोटल प्रोक्योरमेंट है वो आपका एक लाख दस हज़ार वैक्सीन है कोविशील्ड का और उसका प्राइस है आपका दो सौ रुपये पर डोज़ और दूसरा आपका जो वैक्सीन है जो कि आपका है कोवैक्सिन वो वैक्सीन आपका पचपन लाख डोजेज है जो कि करीब जो कि आपका है भारत बायोटेक से और इसका प्राइस आपका जो है दैट इज़ टू नाइन्टी फाइव रुपीज़ पर डोज तो ये भी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमाउंट भी यहाँ पर आपके सामने जो है वो दिया हुआ है एस आई आई आपका न्यूज़ में इसलिए भी था बिकॉज़ एस आई आई ने जो इंडिया की पहली आपकी निमोनिया की वैक्सीन है वो भी आपका एस आई आई ने दोस्तों बनाया था वो वैक्सीन का नाम है ठीक है जिसको नहीं आपका बनाया था समझ में आ गया सबको ये हेडलाइन क्लियर हो गई सबको एवरीवन एवरीवन अच्छा इसके अलावा अगर हम कोरोना वायरस की ही बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपका एक हमारा पड़ोसी देश है एक हमारा नेबर नहीं। या हमारा एक फ्रेंडली देश है जिसका नाम है आपका मलेशिया अब गाइस मलेशिया आपका न्यूज में है बिकॉज मलेशिया ने आपका स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है उसको घोषित कर दिया हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स कंट्री वहाँ के जो राजा हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट सर्ज ऑफ द करोना वायरस वैक्सीन उस वजह से उन्होंने जो इमरजेंसी है उसको दोस्तों डिक्लेयर कर दिया है आपका इन मलेशिया इट इसकी जानकारी भी आपकी दी है वहाँ की पार्लियामेंट को इस वजह से भी आपका वो दोस्तों जो है वो न्यूज़ में है चलिए आगे बढ़ते हैं आ, आगे बढ़ते हैं ये पेज वन था आपका हाँ ये पेज वन था पेज वन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है अच्छा पेज टू पे चलते हैं पेज टू पे भी कोई बड़ी खबर नहीं है एज सच कोई बड़ी खबर पेज टू पे भी आपको नहीं दिख रही है फ़िलहाल कि कोई बड़ी खबर दिख रही हो यहाँ पर भी कोई बड़ी खबर नहीं है ठीक है हाँ अच्छा उसके अलावा गाइस यहाँ पर एक सवाल बनेगा आपका सबसे पहले तो इनका नाम क्या है आ, इनका नाम है आपका अजीत डोवल ठीक है और अजीत डोवल ने डिलीवर किया द फर्स्ट स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर कहाँ पर इन जे एन में पहली बार <coughs> एक <coughs> आपका एक लेक्चर किया गया उस लेक्चर का नाम था स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर जो कि आपका जे में दोस्तों जो है वो किया गया और इस लेक्चर को अड्रेस किया आपके हमारे जो एन हैं उनका नाम है मिस्टर अजीत डोवल तो यहाँ पर आपका सवाल बनेगा सवाल पहला बनेगा दैट इन विच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट स्वामी विवेकानंद लेक्चर वॉज डन स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर ओज डन तो उसका आंसर है आपका इन uh, इन जे एन यू नंबर वन एंड नंबर टू सवाल यहाँ पर बनेगा आपसे uh, कि uh, किसने दिया लेक्चर आंसर तो होगा आपका अजीत डोवल पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री ये गिव भी वन सेकेंड चलिए हाँ तो वापस आते हैं आ, तो गाइस एन एस हैं आपके और इन्होंने इस इस पर्टिकुलर मीटिंग को आपका दोस्तों जो है वो किया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ट्वेल्थ जनवरी को आपका आ, 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 आपका क्या मनाया जाता है ट्वेल्थ जनवरी को आपका वर्ल्ड नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये दिन जो आपका है ये दिन आपका आ, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की आ, उसको लेकर आपका जो है वो मनाया जाता है ठीक है इस वजह से ये दे आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे जाते हैं अब आते हैं पेज थ्री पे पेज थ्री पे वैक्सीन डेलिया हॉस्पिटल आई है अगेन कोई ख़ास बात नहीं है आ, आ, जी केजरीवाल हैज़ गॉन बैक ऑन फ्री वैक्सीनेशन प्रोमिस ये भी कोई ख़ास बात नहीं है आ, इस पेज पे इसमें कुछ और ख़ास कुछ है नहीं हाँ आगे बढ़ते हैं पेज नंबर फोर पे पेज <coughs> फोर पे कुछ खास नहीं है पेज फाइव पे आते हैं पेज uh, फाइव पे भी पेज <coughs> फाइव <coughs> पे भी कुछ खास नहीं है सिक्स सेवन पे भी खास नहीं है कुछ अब एट पे आते हैं हाँ एट पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है ओके okay, जैसे कि आपका ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपकी एक फ्री वाटर स्कीम जो है <coughs> आपकी लॉन्च हुई है इन हैदराबाद ठीक है और इस स्कीम को लॉन्च किया है वहाँ के जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं के टी रामा राव उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है और इस स्कीम से करीब नाइन लाख फैमिलीज़ को आपका वाटर मिलेगा और इस स्कीम के तहत ट्वेंटी फोर्टी एट तक आपका जो है वो आपका पानी का शॉर्टेज आपका नहीं होगा टू द हैदराबाद पीपल ये यहाँ पर आपके सामने अपडेट है इसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 400 से 500 करोड़ का बीच का एक्सपेंडिचर है जो कि यहाँ पर दिया है और, और ये एक्सपेंडिचर आपका जो है ये आपका तेलंगाना हैदराबाद में स्पेशली जो आपका ये आपका फ्री वाटर स्कीम है इसके लिए दोस्तों जो है ये आपका दिया गया है ठीक है इट्स अ फ्री वाटर स्कीम जो कि लॉन्च आपकी हुई है सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा आपसे दैट इन विच सिटी अ फ्री वाटर स्कीम हैज़ बीन डन तो उसका आंसर आपके सामने है द आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी इट इज आपका हैदराबाद गाइज क्या ऐसे ही मैं आपको डिस्कशन कराऊँ द हिंदू का आज थोड़ा सा हैफजर्ड है बिकॉज पहली बार मैं करा रहा हूँ पर आगे चलकर इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं गाइज Uh, हाँ आगे बढ़ते ओके hmm. okay. अब डिलीट करने का है सीन के जी एफ टू में स्मोकिंग का वो सी बात है uh, नहीं होगा <coughs> hmm. आगे बढ़ते हैं. अच्छा अब इसके बाद बड़ी खबर दोस्तों जो आ रही है वो आ रही है आपकी लेबर कोर्ट की ये बड़ी खबर आ रही है और आपके चार लेबर कोर्ट्स हैं ठीक है और ये जो चार आपके लेबर कोर्ट्स हैं इनको अप्रैल वन को आपका अप्लाई किया जाएगा ऐसा जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं श्री संतोष कुमार गंगवार उन्होंने ऐसा कहा है कि जो आपके फोर लेबर लॉ कोड्स हैं उनको आपका पार्लियामेंट में आपका इनेक्ट किया जाएगा इन ट्वेंटी ट्वेंटी और ताकि ताकि अप्रैल वन में इनको दोस्तों जो है वो हम आ, आ, ये उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें इसके लिए आ, इसके लिए आपका जो आ, जो कोर्ड्स हैं उनको आ, उनका लॉ ऑलरेडी बना दिया गया है और उनका इम्प्लीमेंटेशन आपका अप्रैल वन को दोस्तों जो है वो आपका किया जाएगा स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने फ़ोटो भी दिया हुआ है संतोष कुमार गंगवार का और ये जो भाई साहब हैं इन्होंने ये कहा है बेसिकली ट्वेंटी नाइन लॉज हैं जिनको कि आपका अमेंड किया जाएगा और ये लॉज आपके जो हैं मिनिमम वेजेस और ये लॉज को आपका मर्ज किया गया है इनटू फोर कोड्स और इनके नाम भी देखिए दिए हुए हैं आपके सामने मिनिमम वेज़ेस ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी सोशल सिक्योरिटी इनके ऊपर आपके ये चार लेबर कोड्स हैं जिनको मर्ज करके आपका ये जो फ्रेंड नाइन लॉज है इनको बनाया जाएगा और अप्रैल वन को इनको इम्प्लीमेंट आपका दोस्तों जो है वो आ, किया जाएगा आ, ये जो लॉज़ हैं इनके नाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप सबको दिख रहा है मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपके लिए ये इन लॉज़ के नाम हैं जो कि आपके सामने नाम दिए भी हुए हैं यार देखो जिंदगी का नाम है काम करते रहना चाहे कितना भी कुछ हो जाए तो परेशान ना हो ठीक है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये आपके लॉस दिए गए हैं इनमें पहला है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ट्वेंटी ट्वेंटी और तीसरा है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड ये आपके तीन से चार कोड हैं जिनको की अप्लाई किया जाएगा और ये आपके नए लॉज जो हैं वो आपका बनाया जाएगा दिख रहा है सबको ये एवरी वन इज एबल टू वॉच इट ये चार कोर्ट्स को आपका जो है वो सेटअप आपका किया जाएगा इस वजह से भी ये आपके न्यूज में है आ, हाँ ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं <coughs> आगे आते हैं और तो इसमें कुछ है नहीं इसमें आगे आते हैं पेज टेन पे टेन पे भी कुछ खास नहीं है आ, हाँ आपके श्रीपद यशोनायक न्यूज़ में है जो लोग जानते हैं इनको श्रीपद यसो नायक जो है आपके ये आपके हमारे मिनिस्टर हैं आपके आयुष के इनके बारे में आपको पढ़ा होगा गोवा के पास इनका कर्नाटका में आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस वजह से इनकी वाइफ का देहात हो गया था और इनके ड्राइवर और इनके फ्रेंड का भी देहांत हो गया था पर ये अभी जिंदा हैं और ये इनका इनका सर्जरी आपका हुआ है पणजी में और इनका इनका नाम इसलिए पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये आपके न्यूज़ में थे और ये मिनिस्टर हैं आपके आयुष के ठीक है और इस वजह से ये आपके दोस्तों न्यूज़ में थे इसमें तो और कुछ नहीं है ये भी कुछ नहीं है आ, हाँ ठीक है एक्सी डिक्लाइन हो चुका है ये भी कुछ नहीं है हाँ आगे बढ़ते चलिए पेज थर्टीन पे आते हैं आ, थर्टीन पे भी आपका थर्टीन पे एक खबर है आपकी और एक खबर आपकी है रिगार्डिंग क्यूबा क्यूबा जो कंट्री है आपका uh, उसको जो अभी आपकी आउट गोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है uh, उसने कहा है कि क्यूबा इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर फॉर टेररिज्म मतलब क्यूबा में आपका जो uh, जो आपका uh, आपका टेररिज्म है उसका स्टेट स्पॉन्सर है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो आपकी आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मंडे को कहा है कि क्यूबा जो है वो आपका यूएस ब्लैक लिस्ट का आपका एक स्पॉन्सर है टेरिज़म का और और इसके लिए उसको एक उसको जो स्टेट स्पॉन्सर लिस्ट है टेरिज़म की उसमें दोस्तों इसको जो है वो आपका ऐड कर दिया गया है ज़रा पेज फोर्टीन पे आते हैं आ, हाँ पेज फोर्टीन पे पहली खबर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि है इन्फ्लेशन का सिमिलरली गाइस व्हाट्सएप को लेकर काफ़ी इशू था uh, कि बेसिकली व्हाट्सएप आपका कैसे वर्क करेगा क्या वर्क करेगा तो व्हाट्सएप को लेकर uh, जो uh, व्हाट्सएप लोगों uh, फेसबुक कहना है कि अपडेट से आपकी जो प्रिवेसी है वो आपकी इफ़ेक्ट नहीं होगी ये इसको लेकर uh, <coughs> आपका कोई भी आ, कोई भी आपका इशू जो है वो आपका नहीं होगा ऐसा अपडेट उन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर आ, किया है स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि अपडेट वोट अफेक्ट प्रिवेसी राइट और ये व्हाट्सएप ने दोस्तों यहाँ पर जो है वो आ, कहा है Uh, फिर गाइस इन नेक्स्ट नेक्स्ट खबर जो है वो आपकी भारत बायोटेक की है भारत बायोटेक जो है वो करीब ट्वेल्व मिलियन डोसेज जो हैं वो भेजेगा टू ब्राज़ील ठीक है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत कौन सी कंपनी आपका आपका कोरोना वायरस डोजेस भेजेगी ब्राज़ील तो उसका आंसर है आपका भारत बायोटेक जो उसकी जो वैक्सीन है आपकी जो कि है आपका <coughs> वैक्सीन uh, उसको दोस्तों वो आपका जो है वो भेजेगी उस वजह से आपका वो न्यूज़ में भी बना है ठीक है उस वजह से भी ये आपका जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है नेक्स्ट खबर दोस्तों जो है वो रिगार्डिंग है आपका सी बी डी टी सी बी डी टी जो है उसने आपका अनवेल किया है एक पोर्टल और ये पोर्टल आपका इवेजन्स को लेकर है कि मतलब जो बिनामी प्रॉपर्टीज़ आपका टैक्स इवेट करती हैं उसको लेकर ये आपका एक एक पोर्टल बना है और इस पोर्टल को सी ने बनाया है बेसिकली और ये पोर्टल बनाया गया है फॉर फाइलिंग कम्प्लेंस अबाउट टैक्स इवेजन बिनामी प्रॉपर्टीज एंड अनडिसक्लोज असेट्स उनके लिए इनके लिए <coughs> ये आपका जो एक पोर्टल है उसको बनाया गया है ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और इसकी जानकारी दी है आपके जो प्रमोद चंद्र मोदी हैं उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो दी है और ये जो ई पोर्टल है ये ई पोर्टल आपका तीन काम करेगा टैक्स रिविजन्स को देखेगा बिनामी प्रॉपर्टीज़ को देखेगा और अनडिस असेट्स को आपका देखेगा और ये इसीलिए आपका जो है ये आपका पोर्टल जो है ये आपका बनाया गया है ठीक है और सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा दैट विच आर द फॉलोइंग हैज सेटअप अ पोर्टल सेटअप अ पोर्टल फॉर टैक्सेंस तो उसका आंसर जो होगा दैट इज़ सी बी डी टी वो उसका आंसर यहाँ पर आपका सी बी ड्यूटी होगा uh, इसके अलावा गाइज फाइनली आपका जो uh, सब लोग कह रहे हैं सर ऐसे ही कराओ हम खुद कर लेंगे आप रेस्ट कीजिए आपकी हेल्थ ज़्यादा ही खराब लग रही है अरे कोई दिक्कत नहीं है यार आप बस सुन लो कम से कम मेरा जो काम है करना मैं वो कर लेता हूँ अच्छा उसके बाद ई वी मेजर है टेस्ला <coughs> टेस्ला जो है उसने ऑफिशियली इंडिया में आपका दोस्तों जो है वो एंटर किया है और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं आपके वो बेंगलुरु में दोस्तों आपके जो हैं वो बेस्ड हैं और ये स्क्रीन पर भी आप फ़िलहाल देख सकते हैं आ, बाकी आ, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं ठीक है बाकी इसमें कुछ ख़ास है नहीं आ, बाकी तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे बाकी कुछ भी खास नहीं है ठीक है हाँ बाक़ी तो आप यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हैं बाकी इसमें कुछ भी ख़ास आपका नहीं है अब ज़रा कुछ और करते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बिकॉज़ वो रेलेवेंट है क्वेश्चन और क्वेश्चन uh, में ये क्वेश्चन आज के ही हैं तो ज़रा इनको एक बार आपके सामने टेकअप कर लेते हैं uh, आपके सामने uh, पहला क्वेश्चन है हु विल बी लॉन्चिंग अ इनोवेटिव पेंट डेवलप्ड बाय दी के वी आई सी रिसेंटली इनमें से कौन आपका एक इनोवेटिव जो पेंट है आ, उसको उसको आपका दोस्तों जो है वो लॉन्च करेगा इसका ज़रा फटा फटाफट आंसर कीजिएगा इसका जो आंसर है आपके सामने दैट इज़ ऑप्शन ई इट इज़ नितिन गडकरी साहब ये आ, इसको करेंगे बेसिकली ये रोड ट्रांसपोर्ट हाई मिनिस्टर हैं और ये इस पर्टिकुलर जो आपका एक एक आपका एक पेंट है आ, जो कि के वी आई सी ने बनाया है इसको करेंगे Uh, मेरे को मेरे को ये बताइए कि uh, उस पेंट का नाम क्या है उस पेंट का दोस्तों नाम क्या है कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पेंट उस पेंट का आपका दोस्तों जो नाम है वो आपका प्राकृतिक पेंट है और के ने उसको दोस्तों जो है वो आपका बताया है वो बिल्कुल सही है गाइज़ वन पीपल आर वॉचिंग मुझे पता है मेरी तबीयत ख़राब है पर अगर आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे तो दोस्तों क्रॉस कर जाएंगे फटाफट कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है Uh, जो एन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है uh, उसने अभी हाल ही में रिलीज़ किया है एक एम ऑफ वन फोर्टी सिक्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आपसे कि एम ई ई का फुल फॉर्म क्या है देखिए ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट का है और इस क्वेश्चन के लिए पहले आप ये समझिएगा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूशन आपका लॉन्च किया है इन पार्क्स का और इस समय इंडिया में 903 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो करीब 5 परसेंट आपका टोटल जोग्राफिक एरिया कवर करते हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको एसेस करने के लिए ये जो आपका मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवनेस इवेल्यूशन है इसको दोस्तों उन्होंने जो है वो हाल ही में आपका लॉन्च किया तो उसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए क्वेश्चन थ्री पे आते हैं क्वेश्चन थ्री है विच स्टेट हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट इन द कंट्री

अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो एक रिफ़ॉर्म्स है उनको आपके सामने पांच ऑप्शन है हरियाणा है झारखंड है आपके सामने और आपके सामने यहाँ पर गुजरात है मणिपुर है और कर्नाटका है तो किसने ये चौथा राज्य बना है तो इसका जो आंसर आपके सामने है वो आंसर है आपका ऑप्शन डी ऐसा करने वाला मणिपुर बना है आपका फोर्थ स्टेट टू तो इम्प्लीमेंट टू तो अंडरटेक द अर्बन लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स ट्रिपुलेटेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बेसिकली यहाँ पर सेवेंटी फाइव करोड़ रुपीज़ के रिसोर्सेज जो हैं उनको मोबलाइज़ किया गया है और इस वजह से ये चौथा स्टेट आपका बना है उसका तो आंसर जो है दैट इज़ मणिपुर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कल करा चुके हैं आपको विच स्टेट कैन बिकम इंडियाज़ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वनेडियम इनमें से कौन सा आपका राज्य है जो वनेडियम का आपका प्राइम प्रोड्यूसर है तो इसका जो आंसर है बहुत ही आसान आंसर है इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश और गाइस ये जो आपका वनेडियम है मैक्सिमम डिपॉजिट इसके पाए जाते हैं आपके चाइना में सेकेंड पे साउथ अफ्रीका आता है थर्ड पे रशिया आता है पर इंडिया में आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो इसका मैक्सिमम प्रोड्यूसर आपका दोस्तों जो है है वो बन गया ठीक है।, <coughs> है हाँ आगे बढ़े अगले हेडलाइन अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज ऑफर फ्री इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इन एनी ऑफ द डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस, विद एवरी इंडियन डोमेन बुकड बाय रजिस्ट्रेंट जो जो भारत का नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि वो एक फ्री आईडीएन प्रोवाइड करेगा भा कि कितनी भाषाओं में जिसमें जिसमें हर जिसमें हर एक इंडियन डोमेन को जिसने रेजिटेंट ने बुक किया है तो क्वेश्चन है कितनी भाषाओं में ये प्रोवाइड करेगा डोमेन ने इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है दैट इज़ आपका ये जो प्रोवाइड करेगा वो आपका प्रोवाइड करेगा एक सेकेंड हाँ हाँ ये डोमेन नेम है आपका ये प्रोवाइड करेगा वो दोस्तों आपका बीस भाषाओं में ट्वेंटी लैंग्वेजेस में आपका इसको जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं इन ट्वेंटी लैंग्वेज दिस पर्टिकुलर भाषा विल भी प्रोवाइडेड ऐसा अपडेट यहाँ पर आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गोल्डन क्वारिलेट्रल रेलवे रूट द नेशनल ट्रांसपोर्ट हैज़ एनहान्स द मैक्म स्पीड टू वॉट वॉट किलोमीटर्स पर आर फॉर वन ट फ्रॉम ट्वेल्व एट्टी किलोमीटर्स आउट ऑफ सिक्स वन टू किलोमीटर्स कितना आपका स्पीड आपका रखा गया है तो वो जो स्पीड है आपका वो रखा गया है आपका ऑप्शन ए वन थर्टी किलोमीटर्स पर आर का स्पीड जो है उसको दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका रखा गया है ये स्पीड आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं वन थर्टी किलोमीटर्स पर आर जो है वो इसका आपका स्पीड है और ये स्पीड आपका जो ट्वेल्व एट्टी किलोमीटर्स है सोलह सौ बारह किलोमीटर्स में उनमें स्पीड को आपका रखा गया है ठीक है कितना स्पीड है आपका वन थर्टी किलोमीटर्स पर आर क्वेश्चन सेवन पे आते हैं द नेवी इज़ कोऑर्डिनेटिंग विथ एडिशन ऑफ अ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज ऑन जनवरी ट्वेल्व एंड जनवरी थर्टीन एज इट विल अंडरटेक अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो <coughs> वो एक्साइज जो आपका है वो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो एक्साइज जो आपका कराया जा रहा है आ, उसका जो आंसर आपके सामने है उसका जो आ, नाम आपके सामने है जो एक्साइज आपकी हो रही है आ, वो आपका आपका जो एडिशन है वो एडिशन आपका जो है दैट इज दिन जो कि आपका कराया जा रहा है और ये जनवरी ट्वेल्व थर्टीन को आपका दोस्तों जो है वो कराया जा रहा है क्वेश्चन एट पे आते हैं मुझे पता है का आज अच्छा सेशन नहीं हुआ है पर फिर भी क्योंकि सेशन मुझे कंप्लीट करना है सेशन हम कंप्लीट करेंगे इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी द वन प्लानट समिट ऑफ इनमें से किस सिटी में आपका जो वन प्लानिट समिट है वो समिट आपका ऑफ किया गया है न्यू दिल्ली, वियना लंदन, न्यूयॉर्क या फिर आपका पेरिस कहाँ पर ये समिट आपका किया गया है ये समिट आपका दोस्तों जो है वन प्लानट समिट ये आपका किक ऑफ किया है इन पेरिस पेरिस में समिट आपका किक ऑफ आपका किया है नेक्स्ट सवाल पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी ने प्रिपेयर किया है आपका दी मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट ये सवाल का डिस्कस किया था हमने किसने ये किया है आपका द मोस्ट पावरफुल रॉकेट बिल्ट तो ये आपका किया है आपका नासा ने नासा ने इसको आपका दोस्तों जो है वो आपका यहाँ पर किया इट इज़ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट बिल्ट और ये काम आपका नासा ने दोस्तों जो है वो आपका किया है और ये रॉकेट का नाम है आपका एस आपका स्पेस एस नाम है इसका और ये रॉकेट को इन्होंने ही आपका किया है और आते हमारे लास्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग रीजनल रूरल बैंक हैज साइंड एन एम ओ यू विथ जय किसान विच हैज़ फोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म ऑन ग्रीनिजन एग्रीटेक कंसल्टेंसी ये आपका कौन से आर आर बी ने एक एम ओ यू साइन किया है जय किसान के साथ जो कि एक एक्सपैंड करेगा आपका फाइनेंशियल सर्विसेज को तो इसका आंसर जो आपके सामने है द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी इट इज़ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इसके साथ ये काम आपका दोस्तों जो है वो करेगा <coughs> उसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी दैट इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ये इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और uh, बाकी uh, कल डिस्कस कर लेंगे बिकॉज आज मैंने कोशिश की कम से कम कर्डफेयस आपका ना छूटे बाकी कल आई होप कि तो तबीयत मेरी सही हो जाएगी और कल आराम से हम डिस्कस uh, कर लेंगे इन क्वेश्चंस को ठीक है एंड थैंक यू सो मच एवरीवन आने के लिए और कैसे कि कहा गया ना शो मस्ट गो ऑन तो शो तो चलता रहेगा आपका और कल हम uh, बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे uh, बाकी बारह बजे आपसे मिलेंगे आज uh, हमारे एनालिसिस में तो उसमें ज़रूर आइएगा एंड थैंक यू सो मच एवरी और एंड टेक केयर एवरी वन गाइज़ आप सब अपना ख्याल रखिए बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है आपका ख्याल रखना एंड चलिए फिर आपसे मिलते हैं बारह बजे एंड मुझे पता है सेशन काफ़ी ख़राब गया है पर हम बारह बजे मिल लेंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइज़ एंड आलमिटे नाव एट ट्वेल्व पी एम ऑल राइट ब बाय गाइज़ एंड टेक केयर ब बाय